भारत, जिसका नाम सुनते ही पाकिस्तान जैसे देशों की जलने लगती है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई धर्म निवास करते हैं और कई भाषाएं बोली जाती हैं। किसी भी देश को चलाना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि देश चलाने के लिए कई पॉलिटिशियंस एंड कई सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। तो उन्हीं में से हम देश के पहले नागरिक की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? हाँ, मैं जानता हूँ कि आप जानते ही होंगे, लेकिन उनके बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जो आप शायद नहीं जानते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज मैं रामनाथ कोविंद जी के बारे में बात करूंगा। तो रामनाथ कोविंद जी का जन्म 1 अक्टूबर सन 1945 को कानपुर देहात के परांख गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। मैं बता दूं, इनके पिता महकूलाल और इनकी माता कलावती थी। तो इनकी हायर एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने बीकॉम और एलएलबी कानपुर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। कोविंद जी की एज 75 साल हो चुकी है और इनकी हाइट 5 फुट 6 इंच है। कब हुई कोविंद जी की शादी? तो कोविंद जी की शादी 30 मई 1974 को सविता कोविंद के साथ हुई। मैं बता दूं आपको, कोविंद जी के 2 बच्चे हैं, बेटा प्रशांत कुमार कोविंद और बेटी स्वाति कोविंद। कोविंद जी बिहार के राज्यपाल और राज्यसभा में सांसद भी रह चुके हैं। कोविंद जी बिहार के गवर्नर के पद पर 2015 से 2017 तक रहे थे। तो अब हम भारत के राष्ट्रपति कब बने कोविंद जी? रामनाथ कोविंद जी ने 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और भारत के 14वें राष्ट्रपति बने। कोविंद जी दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दलित समुदाय से आते हैं। के.आर. नारायण जी पहले भारत के दलित समुदाय से आने वाले राष्ट्रपति थे। आई होप कि आपको ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जय हिंद। जय भारत।